लश्कर के आतंकी को बीजेपी ने लगाया गले। सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी की देशभक्ति देखिए। मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल गए सारे पाप। औरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने और मोदी का विरोध करने वालों को देशद्रोही कहने वाली भाजपा अब खुद लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को गले लगा रही है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। भगवा रंग के कपड़े पहने हुए दिख रहा ये शख्स यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी का सांसद संगमलाल गुप्ता है और सफेद रंग के कपड़े में खड़े जिस शख्स को ये बीजेपी का पटका पहना रहा है उसका नाम है संजय सरोज। ये वही संजय सरोज है जिसके तार लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को मंच पर बुलाकर बीजेपी नेता ने सम्मानित किया जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता की सरकत पर विपक्ष बाग बबूला हो गया। ये मामला यूपी के प्रतापगढ़ जिले का है जहां पृथ्वीगंज क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सांसद संगमलाल गुप्ता ने टेरर फंडिंग के आरोपी संजय सरोज को स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया। यही नहीं, संगमलाल गुप्ता ने संजय को बीजेपी का पट्टा भी पहनाया। आपको बता दें कि संजय सरोज को यूपी एटीएस ने 2018 में टेरर फंडिंग के केस में गिरफ्तार किया था। संजय पर आरोप था कि वो लश्कर ए तैयबा जैसी खुकार आतंकी संगठन के लिए फंडिंग करता है। यूपी एटीएस ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े होने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। संजय अभी जमानत पर बाहर है और काफी समय से समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने की जद्दोजहद में जुटा था, मगर सपा ने टेरर फंडिंग के आरोपों के कारण संजय को सदस्यता नहीं दी। लेकिन जो काम सपा ना कर सकी वो बीजेपी ने कर दिखाया। खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताने वाली पार्टी ने संजय सरोज को पार्टी में शामिल कर लिया। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देशभक्ति कैसे परवान चढ़ रही है। चुनावी मौसम में बीजेपी की इस कारगुजारी पर विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्विटर पर लिखा, आतंकी फंडिंग का पर्याय रहा संजय सरोज को भाजपा के मंच पर सम्मानित करते हुए भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता, उसे भाजपा में शामिल कर लिया गया। भाजपा वॉशिंग मशीन में सब बाप धुल जाते हैं, जनता सब देख रही है। सवाल तो सही है क्योंकि अगर यही काम कोई दूसरी पार्टी करती तो बीजेपी वाले उनका जीना हराम कर देते, लेकिन खुद पता नहीं कैसे वॉशिंग मशीन लिए बैठे हैं कि बीजेपी में आते ही सारे पाप धुल जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।